वरना तभी प्लान चेंज हो गया। अभी नियर बाई शायद कोशे कोशा है, तो वहीं पे ट्राई करके देखते हैं, अगर वो भी बंद है तो आई डोंट नो वेयर टू गो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड हम लोग आज पूजा में घूमने जा रहे हैं, मतलब घूमने मतलब लोग पैंडल हॉपिंग उतना पसंद नहीं करते हैं, बट हम लोग आज लाइटिंग वगैरह गाड़ी में बैठ के देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं जब तक बारिश रुक ना जाए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे और हम लोग पूरा लाइटिंग भी देखेंगे। कोलकाता इस टाइम में सबसे ब्यूटीफुल लगता है, एंड मैं खुद भी देखूंगी और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। सो आप लोग हम लोग के साथ रहो और देखते चलते, एक बार बारिश कम हो जाए फिर हम लोग निकलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे विक्टोरिया पास आ गए हैं और हम लोग अभी थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम लोग को, मतलब यहाँ पे ना मेरा ओल्ड मेमोरीज है, बहुत मेमोरीज है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग मैं मम्मी की शादी से पहले हम लोग का प्री वेडिंग शूट जो हुआ था वो विक्टोरिया में हुआ था, है ना? तो बोलो क्या, वो प्री वेडिंग शूट हुई थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा पोज मारे थे यहाँ पे। आप देखो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू नो लविंग प्लेस और हिस्टोरिकल प्लेस भी है कलकत्ता का। तो जो कलकत्ता में रहता है उसको तो पता ही है, जो मेरे कलकत्ता के बाहर जो ब्लॉग्स देखते हैं उसको पता होना चाहिए कि विक्टोरिया इज़ वन ऑफ अ हिस्टोरिकल प्लेस एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यू नो पीपल दिस इज नोन एंड पीपल लव दिस प्लेस टू कम बिकॉज दिस प्लेस, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको अपना प्री वेडिंग शूट का भी वीडियोज़ एंड फोटोज़ शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लेना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो मैं आपको दिखाती हूँ, विसर्जन भी हो रहा है यहाँ पे, देखे जा रहे हैं यहाँ पे विसर्जन हो रहा है, कितने सुंदर द सी सो। एकदम टाइम नहीं हो पा रहा था, तो अभी जैसे रास्ते में दिख गया तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लिए, अभी यहाँ से कुचका खाएंगे। लेट्स सी क्या यहाँ पे कुचका कैसे होता है। हम लोग झाल होगा, एमनी करो एमनी करो। अच्छा तुम कुचका खाओगे? ए ये देखो अमूल्टो। अच्छा तुम कुचका खाओगी? दादिया क्या तुम कुचका खाओगी? हाउ मेनी पुचकास यू वांट? কেমন ফুচকাটা? ভালো, বারিশ গিরনে লাগা। ये कौन सा फुचका खा रहे हैं आप? खट्टा दाल फुचका एंड वॉमिक सेम 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 कैटेगरी, बहुत खट्टा बहुत झाल वाला फुचका। कुछ ना दे रहा है मगर कुछ नहीं होगा, पुलिस खड़ा रहा चुरमो तुमने ना मीठा? हाँ एक चुरमो। झाल नहीं नहीं ज़्यादा नहीं, पानी दीजिए ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। एक पापड़ी दे दीजिए। चुरमो खावे कुछ के बाद पापड़ी इज अ मस्ट, एक्स्ट्रा पापड़ी मिलता है। बट यहाँ पे बारिश होने लगा है एंड मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग इस बारिश में ज़्यादा घूम पाएंगे, बट इसका डेकोरेशन आप देखो बहुत अच्छे से बनाया गया है एंड इट्स रियली लुकिंग नाइस।
सिटी सेंटर पूरा अलग लग रहा है देखने में, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। बट अभी मुझे नहीं लग रहा है कि वी कैन स्पेंड मोर टाइम है, बिकॉज बारिश बहुत हो रहा है। तो मम्मी का सादिया ने तो छाता भी ले लिया, देख लो। हेलो करो। हाँ तो भी देखते हैं, ये थोड़ा सा रुक जाते हैं, अगर बारिश रुक जाता है थोड़ा छाते का छाता के अंदर। डिनर भी बाहर करने वाले आज, तो हम लोग फिर डिनर पे चले जाएंगे अगर ये बारिश नहीं रुकता है तो। लेट्स सी क्या होता है। मम्मी को ये ग्रीनरी बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो बोल रही कि ब्लॉग में भी आप ले लो, आप दिखाओ। और वो भी पोज मारने वाली है, तो देखिए कैसे पोज मार रही है, एकदम मतलब पोज मार रही है, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कहाँ जा सकते हैं यहाँ पे। सिटी सेंटर वैसे भी हम लोग बहुत पहले भी आ चुके हैं, बहुत 4-5 बार, तो मतलब डिजिटल यू नो हम लोग का ऑफिस नियर बाय है, तो हम लोग ये मतलब मोस्ट ऑफ टाइम्स हम लोग आते रहते हैं। बट आज बारिश हो रहा है, कहीं पे पैंडल के लिए उतना जा नहीं पा रहे, तो सोचे कि सिटी सेंटर वानी चले जाते, यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड तो हो जाएगा ना। हाउस ऑफ कैंडी मिल गया है सादिया को, अभी जब तक वो कैंडी नहीं खरीदती है तब तक वो कुछ भी नहीं करेगी, वह करने देगी हम लोग को। इसीलिए हम लोग अभी जा रहे कैंडी लेने उसके लिए, अदरवाइज़ मतलब बहुत सियापा हो जाएगा, तो अभी कैंडी लेने जा रहे हैं। की कैंडी ने वे कौन लंबा नहीं है। अच्छा This is not only Sadia's favorite, his Vomik's favorite too, है ना? अच्छा Sadia, एक तो तुम बोलो, तुम्हारे कैंडी टा अंकल खाए? खेल नहीं तुम्हारे कैंडी टा? ओ अच्छा ताजा तो इंटरेस्ट नहीं है इससे, इटे बातें टा इससे। सिटी सेंटर में घूमते घूमते याद आया कि मुझे कुछ शॉपिंग भी पेंडिंग था, तो वो भी कर लेना है। और यहाँ पे मैक्स में कुछ खरीदना है, जैकेट वगैरह, तो वो भी अभी यहाँ पे खरीद लेंगे हम लोग। तो अभी चलते हैं मैक्स में, थोड़ा देखते हैं कुछ विंटर वेयर का कुछ मिल जाए या नहीं। सो आई गॉट दिस फाइनली। जने की कहना होचे कंधे के? अरे बोला ना स्वास्थ्य कौन ना आंगली। इधर की। डॉग है इधर वाला। इधर की ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग भोजुरी मन्ना में आए हैं डिनर करने के लिए, बहुत ज्यादा भूख लगी है, इतना जगह हम लोग घूमने गए, बहुत ज़्यादा भूख लग गया। अभी हम लोग फाइनली ऊपर जाएंगे भोजुरी मन्ना, वहाँ पे बंगाली डिशेस बहुत फेमस है, और बहुत दिन से कबाब बिरयानी तंदूरी मुगलाई खाना सब चल रहा था, तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेना है उससे, और अभी हम लोग को बंगाली फूड खाना है, वो भी आज पूजा का लालते हैं, तो आज हम लोग थोड़ा सा बंगाली खा के एंड करने जाते हैं ये दिन। और सो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग बंगाली क्या क्या डिश खाते हैं, वो आप लोग को देखते दिखाएँगे इन डिटेल्स। चलिए यहाँ से उड़ गया है ही नहीं भोजुरी मन्ना, तभी प्लान चेंज हो गया। अभी नियर बाई शायद कोशे कोशा है, तो वहीं पे ट्राई करके देखते हैं, अगर वो भी बंद है तो आई डोंट नो वेयर टू गो, मगर प्लान अभी पूरा चेंज हो गया है, मूड भी थोड़ा सा ऑफ ऑफ लग रहा है, बट वी आर ट्राइंग कि कुछ और ऑल्टरनेटिव भी निकल जाए, तो अभी ट्राई करते चले देखते कोशे कोशा अगर ओपन रहता है तो वहाँ चलेंगे। हम लोग 2-3 बंगाली रेस्टोरेंट में गए, मगर एक भी बंगाली रेस्टोरेंट खुला हुआ नहीं था,
तो हम लोग अभी अरसलान आए हैं, पार्क स्ट्रीट अरसलान। यहाँ पे अभी कुछ भी खा लेंगे, नान मतलब हम लोग को इस बार मतलब अभी अवॉइड करना था, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, तो हम लोग अभी अभी नान या ग्रेवी आइटम कुछ ऑर्डर कर लेंगे। बंगाली फूड तो नहीं हुआ, बट नेक्स्ट टाइम नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे बंगाली फूड के लिए। अभी हम लोग खा लेते हैं, तो अभी हम लोग अरसलान पार्क स्ट्रीट में है। हम लोग घर वापस आ गए हैं और हम लोग का खाना मतलब अरसलान का खाना बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और अभी घर वापस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड भी लग रहा है, मगर थोड़ा सा डेजर्ट हम वहाँ पे नहीं खा पाए टाइम का शॉर्टेज के लिए, बहुत रात हो गया, अराउंड 11:30 तक हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग क्या किए कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया था, और यहाँ का बहुत कोलकाता का बहुत फेमस स्वीट है फिरनी फिरनी, तो वो भी हम लोग ले लिया। तो अभी हम लोग ये रात को खा के फिर सो जाएंगे, बहुत लेट हो गया है, बहुत लेट भी हो गया है और टायर्ड भी हो गई हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पे है, अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, अगर किया है तो थैंक्स फॉर द सपोर्ट एंड कीप लविंग अस। अभी बहुत ज़्यादा अभी ये अपकमिंग वीक्स में बहुत कुछ नया ब्लॉग्स आपके सामने आएंगे, सो प्लीज़ कीप watching our videos and support us. Thank you and love you a lot, and aaj ke liye bye.